फाइनली दोस्तों Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं। तीन वेरिएंट्स वाले स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है टोटल, जिसमें कि Redmi Note 12, 12 Pro और 12 Pro Plus के नाम से आपको ये तीनों स्मार्टफोन्स अलग अलग प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगे। कहीं आपको अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है तो कहीं बहुत ही बढ़िया कैमरा यानी कि 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। क्या कुछ है क्या नहीं, क्या डिफरेंसेस है तीनों स्मार्टफोन्स के अंदर, क्या प्राइसेस रखी गई है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट हो सकता है, आपके लिए आज की इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे और एक शॉर्ट कंपैरिजन देखेंगे इन तीनों ही स्मार्टफोन्स का कि क्या क्या अंतर के साथ लॉन्चिंग की गई है। कम में खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके इजिली। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर है, अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में, क्या कुछ लेकर आया इंडिया के अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यदि हम सबसे पहले स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात कर ले तो तीनों ही स्मार्टफोन्स की जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन है देखने में बिल्कुल सिमिलर लगने वाली है, कोई अंतर नहीं है डिजाइन और लुक क्वालिटी में। ट्रिपल सेट का कैमरा आपको रियर पैनल में देखने को तीनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। सेम पैटर्न के ऊपर डिजाइनिंग जो है वो दी गई है। साथ में अगर सामने की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं तो जो आपका Note 12 होने वाला है उसमें Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन Note 12 Pro और Pro Plus के अंदर आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को दोस्तों मिल जाता है। इन सेंटर पंच होल वाला कैमरा सेटअप तीनों ही मॉडल्स में आपको दिए गए हैं। साथ में डुअल टोल आपको एलईडी फ्लैश लाइट आपके रियर पैनल में देखने को मिल जाएगा। टाइप सी के कनेक्टिविटी को स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा फॉर चार्जिंग एंड डाटा सिंकिंग। साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको तीनों ही मॉडल्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं 3.5 mm के जैक के साथ तो कोई इश्यूज नहीं, आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन अगर हम लोग आपके मेमोरी कार्ड के एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो जो आपका Redmi Note 12 है इसके अंदर 1 TB तक आप लोग मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो दूसरा ऑप्शन है Note 12 Pro और Pro Plus इसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड का एक्सपेंशन नहीं दिया गया, यानी कि कार्ड का स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। डुअल सिम को सपोर्ट करेंगे दोनों ही तीनों ही स्मार्टफोन्स। डुअल मोड में आप 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के साथ। साथ में फिंगरप्रिंट वाला जो स्कैनर है वो आपको साइड माउंटेड तीनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को दोस्तों मिलेगा। मेरे हिसाब से जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी है तीनों ही मॉडल्स के काफी प्रीमियम रखे गए हैं। साथ में IP53 की रेटिंग्स भी दी गई तीनों स्मार्टफोन्स को, यानी कि आपका स्मार्टफोन्स जो है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है। तो काफी बढ़िया डिजाइनिंग और बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको स्मार्टफोन्स देखने को दोस्तों मिल रहे हैं। अब अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो कहने के लिए तीन सीरीज स्मार्टफोन्स की लॉन्च की गई है, लेकिन प्रोसेसर्स में सिर्फ दो ही अंतर रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 12 के बारे में। तो Redmi Note 12 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 4 Gen 1 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 5G चिपसेट है और ये 6 nm के फैब्रिकेशन के ऊपर काफी बढ़िया बैटरी एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस देता हुआ आपको दिख जाएगा। कोई हीटिंग इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होगी। साथ में अगर GPU के बारे में बात कर ले तो 619 वाली GPU सेट आपको देखने को मिलेगी, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका काफी लाजवाब होने वाला है। कोई इश्यूज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो रेंडरिंग का भी काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का, तो आप वीडियो एडिटिंग भी अपने Redmi Note 12 के साथ कर सकते हैं बिना किसी इश्यूज के। वहीं अगर हम लोग बात करें Note 12 Pro और Pro Plus के प्रोसेसर के बारे में तो आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। MediaTek Dimensity 1080 के चिपसेट के ऊपर वर्क करेगा, जो कि 6 nm के फैब्रिकेशन के ऊपर वर्क करता है। काफी बढ़िया बैटरी एफिशिएंसी के साथ आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। पुराने वाले कंपैरिजन में बात करें तो Note 12 से थोड़ा एडवांस प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। ऑनटूटू स्कोर्स की बात कर लेते हैं तो 6.5 लाख के आसपास के ऑनटूटू स्कोर्स आपको आपके MediaTek Dimensity 1080 के चिपसेट पे देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें Snapdragon 4 Gen 1 वाले चिपसेट के ऊपर तो लगभग 3,88,000 के आसपास की ऑनटूटू स्कोर्स उसकी आती है। अगर GPU के बारे में बात कर ले तो Mali G68 वाली GPU आपको देखने को मिल जाएगी Pro और Pro Plus के अंदर, जिसके साथ आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर सुपीरियर हैं एज कंपेयर टू Snapdragon 4 Gen 1 वाला। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो कहने के लिए तीन सीरीज है स्मार्टफोन्स के, लेकिन अंतर सिर्फ एक में रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 12 के बारे में। तो 6.67 inches की फुल HD रेजोल्यूशन वाले AMOLED पैनल के साथ स्मार्टफोन्स की लॉन्चिंग की गई है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के ऊपर वर्क करेगा। साथ में 1200 nits की पीक ब्राइटनेस वैल्यू भी आपको स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगी। टच एक्सपीरियंस काफी बढ़िया होगा क्योंकि 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। साथ में 85% के अप्रॉक्स आपके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी। साथ में प्रोटेक्शन के लिए अगर बात करें तो Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन आपको स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को दोस्तों मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें Redmi Note 12 Pro और Pro Plus के बारे में तो दोनों का डिस्प्ले क्वालिटी सिमिलर देखने को आपको मिलेगा। साइज सबकी सेम है, 6.67 inches की फुल HD रेजोल्यूशन वाला OLED पैनल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 1 billion colors को सपोर्ट करेगा। साथ में 120Hz का रिफ्रेश
रिफ्रेशरेट दिया गया जिसके कारण टच की सेंसिबिलिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। डॉल्बी विजन को सपोर्ट करेगा HDR10 और साथ में 900 nits की पीक ब्राइटनेस वैल्यू भी आपको देखने को मिल जाती है। 86.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और साथ में 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी आपको स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा दोनों में ही, ताकि आपका डिस्प्ले जो है फॉल एंड डैमेज केस से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रह सके। मेरे हिसाब से तीनों के डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अमोल्ड तीनों में अच्छे क्वालिटी पे वर्क करते हुए दिखेंगे और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसके साथ टच परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। अब अगर स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो तीनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरे में काफी अंतर आपको देखने को दोस्तों मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 12 के बारे में, तो इसके अंदर ट्रिपल सेट कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि 48+8+2 का कॉम्बिनेशन होगा और इसके साथ आप लोग 1080p के रेजोल्यूशन पे 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में बात करें अगर फ्रंट वाले सेल्फी शूटर्स के बारे में, तो 30 MP का यानी कि 13 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको देखने को मिल जाता है और इसके साथ भी 1080p के रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर Redmi Note 12 Pro के बारे में, इसमें भी आपको ट्रिपल सेट कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। 50+8+2 का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कि 50 MP वाला जो कैमरा है दोस्तों वो सोनी IMX766 वाले सेंसर्स के साथ आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। काफी बढ़िया इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ स्मार्टफोन्स का कैमरा सपोर्ट करेगा। 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पे आप लोग कर सकते हैं। साथ में फ्रंट वाला जो सेल्फी शूटर है इसमें आपको 16 MP का देखने को मिलेगा और ये 16 MP का जो फ्रंट सेल्फी शूटर है 1080p के रेजोल्यूशन पे 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल कर आपको दे देगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें Redmi Note 12 Pro Plus के कैमरे के बारे में दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का बहुत ही हाई रेस कैमरा देखने को दोस्तों मिल जाता है। 200+8+2 का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कि 200 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है दोस्तों वो Samsung का HPX सेंसर के ऊपर वर्क करता हुआ दिखेगा। काफी बढ़िया OIS आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन बहुत ही सॉलिड होगा। और कैमरे की परफॉर्मेंस अगर बात करें तो 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग स्मार्टफोन के कैमरे के साथ कर सकते हैं। साथ में फ्रंट सेल्फी शूटर जो है दोस्तों इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल वाला देखने को मिल जाएगा और 1080p के रेजोल्यूशन पे वर्क करेगा। अगर मैं चूज करूं तीनों में से, तो अगर हम बात करें तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा ही एक अदर थिंग है जो कि आपका 12 प्रो और प्रो प्लस को अलग बनाता है, नहीं तो बाकी सारी की सारी फीचर्स जो है लगभग सिमिलर आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को दोस्तों मिल जाती है। अब अगर स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों बातें कर ले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हिस्सा है दोस्तों मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है स्मार्टफोन के अंदर। मैंने एक्सपेक्ट किया था इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्मार्टफोन तीनों ही वेरिएंट्स में, चाहे आप लो वाला ले लो चाहे हाई वाला ले लो, सब में आपको एंड्रॉइड 12 के साथ वर्क करता हुआ दिखेगा और MIUI 13 एज यूजल भरे हुए एडवर्टीजमेंट्स के साथ आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगी। अब अगर बात करें स्मार्टफोन्स के बैटरी के बारे में, तो तीनों ही स्मार्टफोन्स की बैटरी 5000mAh की बैटरी के साथ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन तीनों में चार्जर वाले सेक्शन में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। Redmi Note 12 जो है वो 33W के चार्जर के साथ आ रहा है, साथ में Redmi Note 12 Pro आपको 67W का चार्जर देगा और Redmi Note 12 Pro Plus के अंदर 120W वाला हाइपर चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपके स्मार्टफोन्स की बैटरी को 10 से 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके निकाल कर दे देगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के वेरिएंट्स प्राइसेस और स्मार्टफोन को परचेस करें या फिर स्किप कर दे वाले टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, तीन स्मार्टफोन्स Redmi की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, तीनों के प्राइसेस अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करें अगर Redmi Note के बारे में, 12 सीरीज जो आपका है Redmi Note 12 17999 के इंट्रोडक्टरी प्राइस पे आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें आपके Redmi Note 12 Pro के बारे में, तो ये आपको 24999 के इंट्रोडक्टरी प्राइस पे देखने को मिल जाएगा और Pro Plus वाला जो आइटम है आपका 29999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। Redmi Note 12 4GB के वेरिएंट के साथ शुरुआत होता है, प्रो आपका जो है वो 6GB के साथ और आपका जो प्रो प्लस है उसमें 8GB की स्टार्टिंग रेंज आपको देखने को मिल जाती है और प्राइसेस से ज़्यादा अंतर नहीं रखा गया है। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन अपने रिव्यू के हिसाब से बताऊं, तो तीनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आए हैं। लो वाला जो वर्जन है उसका फ्रंट वाला सेल्फी ज़्यादा तगड़ा नहीं है, ना तो बेसिक वाला बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आपका 24-25 हज़ार तक का प्राइस सेगमेंट है तो आप Redmi Note 12 Pro को खरीद सकते हैं अच्छे बजट सेगमेंट में, सोनी के सेंसर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें, ब्लॉगिंग करना है या फिर वीडियो के काम से लिए यूज़ करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जाइए 200 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, 4000 के अंतर के साथ आपको काफ़ी एडवांस कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि Samsung HPX सेंसर के ऊपर वर्क करेगा। इसके अलावा प्रो में और प्रो प्लस में कोई और अंतर नहीं है, सारे सर्वर स्पेसिफिकेशन सेम है। दो अंतर रखे गए हैं, सिर्फ 200 मेगापिक्सल का कैमरा अंतर है और 120 वॉट वाला चार्जर। बाकी कमेंट करके राय अपने शेयर कीजिएगा कि आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में कुछ नए टेक्निक्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।